कितनी गर्मी है, बाप रे इतनी गर्मी में तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बस किसी तरह ये गर्मी चली जाए, मेरा बस चले ना तो मैं पृथ्वी को एक धक्का मार के सूरज से दूर कर दूं, फिर ठंडा ठंडा मौसम, बारिश। दीपिका तुम भी है ना बिल्कुल बुद्धू जैसी बातें करती हो, हमारी पृथ्वी कोई बॉल थोड़ी ना जो तुम धक्का लगा कर उसे कहीं भी कर दो। और सोचो अगर तुमने पृथ्वी को सन से दूर कर दिया तो इवेपोरेशन कैसे होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश कैसे होगी। इस गर्मी ने ना तुम्हारा फ्यूज भी उड़ा दिया है, तुम ऐसे बात करो जैसे ऐसे मैं सचमुच पृथ्वी को धक्का मारूंगी, क्या शिवम? वैसे सोचो अगर हम सचमुच पृथ्वी को धक्का दे सकते और उसकी पोजीशन चेंज कर सकते तो हम उसे कहाँ करते। अगर हमारा एम होता कि अपनी पृथ्वी के लिए बेस्ट वेदर कंडीशंस चूज करनी हो, मतलब सूरज से कितनी दूर, कितनी पास, किस एंगल पे, कितना सोचना पड़ता। सोचते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमें पृथ्वी की वेदर कंडीशंस चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा। मौसम को बदलेंगे तो तब ना जब हम समझें कि मौसम बनता कैसे है, क्यों कभी गर्मी होती है और कभी ठंड, कभी झुलसाने वाली लू चलती है तो कभी भिगाने वाली बारिश, कभी घुटन होती है तो कभी तूफान आता है और कभी पिकनिक का सुहाना मौसम। सोचो तो मौसम बना है तापमान, दबाव, नमी, बादल, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे अनेक फैक्टर्स से। ये मौसम है कि मुंबई की पाव भाजी, 10 तरीके की सब्जियां और मसाले जब तक ना हो तब तक बनेगी ही नहीं। सच में दीपिका मौसम तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर हम लोग हिल स्टेशन में रहते तो ना होती गर्मी और ना आता ख्याल मौसम बदलने का। वाह दीपिका क्या बात की है, हिल स्टेशंस, ठंड, भुट्टे। ये देखो ये क्या, तुम अपने लिए एक माउंटेन बना रही हो जिसपे चढ़कर तुम गर्मी से बच सको। ये है हमारी माउंटेन, तुमने सही समझा, और ये है हमारा सूरज और ये समतल जमीन। तो बताओ कि इसमें से सबसे पास सूरज के कौन है। ये समझाने के लिए तुमने ये सब किया, ये तो तुम्हें कोई बच्चा भी बता देगा, ऑब्वियसली पहाड़। तो ठीक है पहाड़, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये सबसे ज्यादा पास है तो यहाँ सबसे ज्यादा धूप होनी चाहिए। हाँ दीपिका, और अगर धूप होगी तो गर्मी भी। हाँ पर हिल स्टेशन में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ दीपिका ये बात कहके तो तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया, तुम्हें इसका जवाब पता है ना। मुझे भी नहीं पता इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा। तो चलो केटू के पास। अरे वाह केटू, एक नया एक्सपेरिमेंट, ये आप क्या कर रही हैं? एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? मैं तो थोड़ी लाइट क्रिएट कर रही थी, बत्ती आज थोड़ी कम ही लग रही थी। केटू बताइए ना, पहले तुम बताओ केटू। केटू मतलब तुम्हारा क्यों और कैसे। केटू आज हम मौसम के बारे में बात कर रहे थे। भाई बात क्या कर रहे थे, हम तो हिल स्टेशंस की ठंडक को याद कर रहे थे। पर तभी ख्याल आया कि हीट सोर्स के पास गर्मी ज्यादा होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है, करेक्ट? करेक्ट, मतलब तुम ये पूछना चाह रही हो कि हिल स्टेशन ऊंचाई पर होते हैं, मतलब कि सूरज के पास, इसलिए वहाँ पर सर्दी की जगह गर्मी पड़नी चाहिए। You're great. आपको कैसे पता चला हम क्या पूछ रहे हैं? अरे भाई केटू हूँ लेकिन जवाब तभी दूंगी, पहले शॉल दो वहाँ से। शॉल? केटू इतनी गर्मी और शॉल, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कुछ समझे? अरे पृथ्वी ने ओढ़ी है शॉल, मतलब क्या सोचो। पृथ्वी की शॉल मतलब हमारा 1600 किलोमीटर गहरा वातावरण, गैसों की एक चादर। मौसम की खिचड़ी पकती है ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के सबसे पास और वातावरण की सबसे घनी परत है।
लेकिन मौसम की कहानी का हीरो तो है सूरज। उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा, वो अपनी सतह के हर वर्ग इंच से 40,000 वॉट प्रकाश देता है। इतना विशाल है कि उसमें 10 लाख से ज्यादा पृथ्वियां समा जाएं। पर सूरज हमसे कोई 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी और बीच में वैक्यूम, अंतरिक्ष का खालीपन। ऐसे में सूरज की ऊर्जा सिर्फ एक तरीके से हम तक पहुंच सकती है, विकिरण या रेडिएशन से, क्योंकि वैक्यूम में ना तो कंडक्शन संभव है और ना कन्वेक्शन। अब जब सूरज की रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से होती हुई निकलती है तो एटमॉस्फेयर खुद गर्म नहीं होता, ये रेडिएशन आकर धरती की सतह से टकराती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ एब्जॉर्ब होकर जमीन की सतह को गर्म कर देती है। नदियाँ, तालाब, समुन्दर, जमीन सब गर्म होता है और फिर धीरे धीरे इस गर्मी को छोड़ता है। सतह के पास की हवा गर्म होती है और धीरे धीरे पूरा वातावरण भी गर्म हो जाता है। रही बात पहाड़ों पर कम गर्मी की, तो बात साफ है, जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी ज्यादा पृथ्वी की सतह से दूरी, उतनी कम गर्मी उतना कम दबाव। एक मजेदार फैक्ट, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती है। हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे कहते हैं लैप्स रेट। वो क्या कहते हैं ना, उल्टे हाथ से नाक पकड़ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज से गर्मी लेती है। पहले ये बताइए कि अगर ये एटमॉस्फेयर होता ही ना तो क्या? अरे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बहुत बहुत गर्मी होती, क्योंकि सन की रेस सीधा पृथ्वी पर पड़ती, हमारा तो भुर्ता ही बन जाता। भुर्ता बनता या कुल्फी। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? ऐसा होता, वातावरण में है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, कुल मिलाकर एक ऐसा परफेक्ट मिश्रण जो पृथ्वी को एक ऐसा तापमान दे कि उस पर जीवन संभव हो। वातावरण के बिना हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी होती और मौसम नहीं होते। और तो और, सूरज से निकलती एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरी हानिकारक रेडिएशन पृथ्वी पर बरसती रहती। वातावरण ही तो हमें इससे सुरक्षित रखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो शायद हमारी पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। आप शायद दीपिका और शिवम को ढूंढ रहे हैं, वो भी कुछ ढूंढने गए हैं, कुछ बाल्टी, गुब्बारे वगैरह। जब तक वो लौट के आते हैं मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। सोचिएगा, हाँ, अगर हम सीधे ना खड़े होकर टेढ़े खड़े होते, यूं, आउच, सोचिए क्या होता, टांग में दर्द, कमर में खींच। और अगर हमारी पृथ्वी टेढ़ी ना होकर सीधी होती तो क्या होता, सोचिए सोचिए। पृथ्वी का झुकाव, उसके कारण ही तो सूरज की किरणें अलग अलग एंगल यानी कोण और अलग अलग मात्रा पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती हैं। उसके तापमान में अंतर रहता है जिसकी वजह से हवाएं बहती हैं और मौसम बदलते हैं। क्या आपको पता है मार्स का वातावरण कितना पतला है और साथ में कड़कड़ाती ठंड, और वीनस, वहाँ तो वातावरण बहुत गहरा और दबाव तो अर्थ से 90 टाइम ज्यादा, गर्मी इतनी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। भाई शुक्रिया हम अर्थ पर रहते हैं, यहाँ सही प्रेशर, सही एटमॉस्फेयर और सही टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मौसम से क्या रिश्ता है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं, अब जान जाएंगे। भाई बाल्टी, पानी और बलून्स तो सभी के घर पे होंगे। पानी और वातावरण, दोनों में गड्ढा नहीं किया जा सकता। पानी जैसे ही हवा भी चलती रहती है ऊंचे दबाव से कम दबाव की ओर, हमेशा एक बैलेंस ढूंढती है। गुब्बारे में हवा भरो तो अंदर का दबाव आसपास की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए हमेशा हवा गुब्बारे के अंदर से गुब्बारे के बाहर, मतलब ऊंचे दबाव से कम दबाव की ओर ही बढ़ती है। और ये बात हमेशा याद रखें। चलिए हम खेल खेल में बनाएं कुछ मजेदार। एक ऐसा यंत्र
जो हमें हवा की गति का अंदाजा दे। एनेमोमीटर बनाने के लिए ये थोड़ी सी साधारण चीजें ही चाहिए। अब इन चारों ग्लासेस को एक एक करके प्लेट के सिरे पर चिपका देंगे, बराबर की दूरी और सभी का मुंह एक ही तरफ से खुला। अब बिल्कुल बीचों बीच एक पिन की मदद से इस तरह लगा देते हैं पेंसिल। एक सिरे पर रबर वाली पेंसिल अच्छी रहती है। और अब देखिए हवा के साथ कैसे मजे में घूम रहा है हमारा एनेमोमीटर। लेकिन हवा का दबाव पता करने के लिए अगर कुछ होता तो मजा आ जाती। तो चलो थोड़ा मजा करते हैं, बनाते हैं अपने लिए एक बैरोमीटर। उसके लिए चाहिए एक कांच का बर्तन, ये बॉटल और कुछ छोटी छोटी चीजें। तो ध्यान से देखिए और बनाइए हमारे साथ एक बैरोमीटर। बैरोमीटर हवा के दबाव को नाप सकता है। बोतल में रंगीन पानी बिल्कुल ऊपर तक, और अब ये खाली कांच। बैरोमीटर हवा के दबाव को नाप सकता है। बोतल में भरा है रंगीन पानी बिल्कुल ऊपर तक, और अब ये खाली फ्लैट कांच का बर्तन उसके ऊपर, और बोतल को उलट देते हैं ऐसे। कागज की स्ट्रिप पर बनी है रूलर की तरह लकीरें, और उसके बीच में है पॉइंटर। पानी का स्तर बिल्कुल पॉइंटर पर एडजस्टेड है। अब जब हवा का दबाव ज्यादा होगा तो पानी पॉइंटर के ऊपर उठ जाएगा, दबाव कम होगा तो नीचे आ जाएगा। हमने छाता क्यों खोला? अरे देख नहीं रहे प्रेशर कितना कम है, बारिश आने वाली है। भाई लो प्रेशर एरिया मतलब आसपास के हाई प्रेशर एरिया से हवा अंदर आती है और साथ में लाती है बादल। एक पहेली पूछते हैं। शिवम ने जयपुर में अपने बाल थोड़े थोड़े ट्रिम कराए और फिर वो तुरंत मुंबई आ गया, लेकिन वो हैरान रह गया कि उसके बाल उतने के उतने ही। भाई ये भी एक साइंटिफिक पहेली है और इसका जवाब छुपा है मौसम में। नहीं समझे तो ये देखिए। हवा में नमी ज्यादा हो तो हमारे बालों का क्यूटिकल उसे सोख कर फूल जाता है, उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है। एक मजेदार बात चौंकाने वाली है। सूखी हवा नम हवा से अधिक घनी होती है। उगी की नहीं, हेड रेसर्च से पूछना चाहिए। पृथ्वी की जगह बदलने से आज हमने बात शुरू की थी और पहुंच गए मौसम की साइंस पर। मुझे तो ये भी समझ में आ गया कि कितने साइंटिफिकली हमारी पृथ्वी मौसम बदलती है। बिल्कुल, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंडी, ये सब एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। मदर नेचर सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। पर क्या आपका मन नहीं कर रहा कुछ वेदर साइंटिस्ट से मिलने का? भाई मेरा तो बहुत मन कर रहा है। तो चलें मेट ऑफिस, देखेंगे साइंस इन एक्शन। मौसम विशेषज्ञों को कहते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट, और मीटियोरोलॉजी है मौसम विज्ञान। ऐसा ही होता है ने हम बच्चों को दिया एक मजेदार मौका, मुंबई के वेदर स्टेशन में जाकर कुछ मजेदार देखने का। ये वेदर स्टेशन भारत में अपने जैसे 35 अन्य स्टेशनों में से एक है। और अब हमारे सामने हो रही है वेदर बलून छोड़ने की तैयारी। वेदर बलून मौसम की जानकारी पता करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें भरी जा रही है हाइड्रोजन गैस। वैसे कई देशों में इस काम के लिए हीलियम यूज होती है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही हवा से हल्की हैं। गुब्बारे में भरी जाएगी पूरी 2.5 किलो गैस। इतनी हवा गुब्बारे को 28 से 30 किलोमीटर ऊपर ले जाएगी। स्टेशन इंचार्ज ने हमें बताया कि हर दिन हर वेदर स्टेशन से ऐसे 2 गुब्बारे छोड़े जाते हैं, एक सुबह एक शाम। गुब्बारे के नीचे लगाया जाएगा ये यंत्रों का डिब्बा। इसमें तापमान नापने के लिए थर्मिस्टर
और नमी नापने के लिए हाइग्रिस्टर है। गुब्बारा हवा की दिशा और गति साथ में दबाव की जानकारी भी देगा। ये गुब्बारा करीब 1.5 घंटे तक आसमान में रहेगा। जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे दबाव कम होगा, इससे ये बड़ा होता जाएगा और अंत में फट जाएगा। वेदर स्टेशन पर लगे रिसीवर का एंटीना गुब्बारे को ट्रैक करता है ताकि गुब्बारे के यंत्रों से रीडिंग्स मिलती रहे। वेदर स्टेशन पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स अपना अपना काम करते हैं। गुब्बारा अब भी दिखाई दे रहा है, एंटीना सिग्नल्स ग्रहण कर रहा है। अब वेदर एक्सपर्ट्स इस डेटा को, मतलब इन रीडिंग्स को, कंप्यूटर्स में फीड करते हैं। देश भर, इनफैक्ट दुनिया भर में बहुत से एक्सपर्ट्स इस तरह मौसम पर नजर रखते हैं। वेदर स्टेशन से ये जानकारी पहुंचती है मौसम विभाग के मुख्य केंद्रों में। यहां सारा डेटा, सैटेलाइट पिक्चर्स और दूसरी इंफॉर्मेशन भी डिकोड होती है, मतलब समझी जाती है। डिकोड होने के बाद एक्सपर्ट्स बनाते हैं मैप्स, नक्शे। इन नक्शों की मदद से मौसम की जानकारी तैयार की जाती है, साथ में आने वाले मौसम का अंदाजा लगाया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग। एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि मौसम विभाग की जानकारी रोजाना के जीवन के लिए तो जरूरी है ही, साथ में विमान सेवाओं के लिए, मछुआरों और किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। पर मौसम इतने सारे फैक्टर्स से बना है और ये फैक्टर्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि ये विज्ञान प्रकृति के आगे थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अरे, वेदर स्टेशन पर हमने वो यंत्र देखा जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान बताता है, साथ में देखे ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी नापने का तरीका, और रेन गेज, कितने सेंटीमीटर पानी बरसा ये नापने वाला उपकरण भी। इस वक्त अगर आपने केटू को देखा ना तो आप तो हैरान ही रह जाएंगे। पता नहीं क्यों आज वो नर्सरी राइम से याद कर रही है। छोटी मोटी मकड़ी दीवार पे बैठी है, पानी बरसता भीग जाती है। पर हमारी मकड़ी कोई छोटी मोटी नहीं है, दीवार पर भी नहीं बैठी और भीगी भी नहीं। पर वो ही हमें बताएगी कि उसका जाला चिपचिपा क्यों है। यही तो पूछा है भिलाई की मनाली सेन गुप्ता ने। मनाली ने तो हमसे कई और सवाल पूछे हैं, लेकिन आज जवाब सिर्फ एक का, छोटी मोटी मकड़ी। मकड़ी का जाला एक अजूबा, इसमें होता है एक फ्रेमवर्क, साइकिल के टायर जैसे स्पोक्स और स्पाइरल्स का एक ढांचा जो चिपचिपा नहीं होता। इस फ्रेमवर्क को मकड़ी चिपचिपे तारों से बारीकी से जोड़ देती है। कौन सा तार चिपचिपा है कौन सा नहीं ये मकड़ी अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो खुद इसमें नहीं फंसती। सब मकड़ियां जाले नहीं बुनती, कई चपट्टा मार के अपने खाने को धर पकड़ती हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो पूछा है सौरभ गुप्ता ने। ईमेल किया है इसलिए हम ये तो नहीं जानते कि सौरभ गुप्ता रहते कहाँ हैं, पर सवाल ये है,
मोमबत्ती की लौ हो या हो माचिस की, उसका आकार हमेशा ऐसा ही टियर ड्रॉप जैसा होता है। कारण है कन्वेक्शन करंट। लौ की गर्मी से आसपास की हवा गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर उठती है। ठंडी हवा उसकी जगह लेती है और वो भी गर्म होकर ऊपर उठती है। लौ के चारों तरफ ये सिलसिला चलता रहता है और लौ का आकार हमेशा ऐसा ही हो जाता है। पूछा नहीं अगर क्यों और कैसे, पूछा नहीं अगर क्यों और कैसे, पूछा नहीं अगर क्यों और कैसे, तो दिमाग से बड़ी बन जाएंगी भैंसे। भाई हमारे कहने का तो ये मतलब है कि हमें अपनी अकल बढ़ाती रहनी चाहिए, सवाल उठाते रहना चाहिए, क्योंकि ये हम बच्चों की साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। बाय। ऐसा ही होता है।